बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खोया पेड़ा की रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 लीटर दूध, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, बादाम पिस्ता का पाउडर ले लेंगे गार्निश के लिए, थोड़ा सा हल्का लाल कलर ले लेंगे और 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। दूध को गर्म करेंगे। दूध को जोश आने तक गर्म करेंगे। दूध में जोश आ चुका है, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। लो टेम्परेचर पे चूल्हा वापस ऑन कर लें। 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद दूध को छान लेंगे। अब इसको छान लेंगे। नॉर्मल का कपड़ा डाल देंगे। अब इस पे पानी डाल देंगे ताकि लेमन जूस की खटास खत्म हो जाए। अब अच्छी तरह पानी को निचोड़ लेंगे। पूरा पानी निकाल देंगे इसका। अच्छी तरह से पानी निकाल दिया इसका। अब इसमें चीनी डाल देंगे। अब अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। लो टेम्परेचर पे पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें मावा डाल देंगे। चार से पांच मिनट तक इसको भूनेंगे। लो टेम्परेचर पे इसको अच्छी तरह भून लिया है और उसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अब इसको तब तक भूनेंगे लो टेम्परेचर पे जब तक दूध खुश्क ना हो जाए। दूध खुश्क हो चुका है। अब हम
चूल्हा बंद कर देंगे, उसको ठंडा होने देंगे। हल्का गर्म रहने दिया है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खोए के दो हिस्से कर लेंगे, आधा हिस्सा इसमें डाल देंगे। अब इसमें हल्का सा लाल कलर डालेंगे ताकि अच्छा कलर आ जाए इसमें। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब खोए के पेड़े बनाएंगे। अब इसको एक लेंगे और इस तरह गोल कर देंगे। इस तरह, और अब जो पिंक कलर तैयार किया है उसका बना लेंगे। इस तरह गोल करके फिर इसको इस तरह रख के फिर इसको बॉल की शक्ल दे देंगे। इस तरह सारे तैयार कर लेंगे। अब हम इस पे गार्निश करेंगे। बादाम पिस्ता पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो बादाम के पीस भी डाल सकते हैं। डिलीशियस खोया पेड़ा तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खजूर नट्स की रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 230 ग्राम खजूर, 10 ग्राम अखरोट, 20 ग्राम बादाम। बादाम और अखरोट को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और तिल ले लेंगे कोट करने के लिए। अब बादाम और अखरोट को मिक्स करेंगे। अब एक खजूर लेंगे, बीच में से इस तरह इसका सीड्स निकाल लेंगे। अब इसमें इस तरह अखरोट और बादाम को फिल करेंगे, फिर इस तरह बंद करके तेल लगा लेंगे। इफ्तारी में हम खजूर इस्तेमाल करते हैं, अगर इसमें बादाम और अखरोट मिलाया जाए तो और मजेदार हो जाती है। इसी तरह सारी तैयार कर लेंगे। इफ्तारी में हम खजूर इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अखरोट और बादाम मिक्स करें तो हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।